सो गाइस आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे मूवीज या सीरीज के क्लिप्स को एडिट करके उसे एक लेस देन वन मिनट का अमेजिंग सा शॉर्ट बना सकते हो। लाइक मैंने एक चैनल की एग्जांपल दिए है जिसमें से ये वाला मेरा चैनल है एंड बाकी मेरे दोस्तों के है। मैं जाते जाते कुछ काम की टिप्स बताकर जाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर से आप मोबाइल में एडिटिंग करना चाहते हो तो ये तीन ऐप्स आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, जिसमें से पहला है इनशॉट, दूसरा है कैपकट और तीसरा है वीएन। ये तीनों ऐप्स का इंटरफेस लगभग सेम ही है। अगर से आप आगे जाकर एक ऐप से दूसरे ऐप में शिफ्ट करना चाहोगे तो आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीनों ऐप्स में से मुझे सबसे ज्यादा इजी और स्मूथ इनशॉट ही लगा, तो हम इसे ही यूज करेंगे। आपको यहाँ पर एक वीडियो का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से प्लस पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है। अब यहाँ से उस मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मुझे दो मीडिया की जरूरत है तो मैं दो मीडिया को सिलेक्ट करूंगा। इसे आप यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हो। चलो अब मैं भी फटाफट से ट्रिम कर लेता हूँ। वीडियो इम्पोर्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहीं पर आपको बहुत सारे टूल्स भी देखने मिलेंगे, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बस मेन टूल्स ही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी तो आप खुद ही सीख जाओगे। इतनी सिंपल ऐप है। यहाँ पर इस वीडियो का एक्चुअल फ्रेम कैनवास से मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक कैनवास का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से फिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और राइट पे क्लिक कर देना। ये वीडियो अपने एक्चुअल फ्रेम में आ चुकी है, अब आप इसमें आसानी से कटआउट लगा सकते हो। अब आपको इस सीन के अच्छे अच्छे पार्ट्स को रखना है और फालतू पार्ट्स को कट, ट्रिम या डिलीट करके अलग कर देना है। अब मान के चलो आपको इस वीडियो के यहाँ पर कट लगाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक स्प्लिट नाम का टूल दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे जिससे आपकी वीडियो में कट लग जाएगा और आपकी वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और अगर से आपको इस वीडियो को डिलीट करना है तो आप इस वीडियो लेयर पे क्लिक करोगे और डिलीट आइकन से इस वीडियो को डिलीट कर दोगे, तो वो पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर से आप इसे ट्रिम करना चाहते हो तो आपको वीडियो लेयर के स्टार्टिंग में होल्ड करना है और इसे जहाँ तक ट्रैक करोगे ये वहाँ तक ट्रिम हो जाएगा। लेकिन जनरली मैं इसका इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मैं तो बस स्प्लिट और एक और बार स्प्लिट करता हूँ और फालतू पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब उम्मीद है कि आप इतना तो सीख गए होंगे, तो मैं फालतू पार्ट्स को फटाफट कट कट करके डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने कैसे फालतू पार्ट्स को कट कट करके डिलीट कर दिया है और बस मेन सीन को ही रखा है। ये करने से आपको वीडियो एडिटिंग करने में आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब आप देखोगे कि इतना कट करने के बावजूद भी आपकी वीडियो एक मिनट से ज्यादा की है, वहीं शॉर्ट तो एक मिनट से कम का होता है, तो अब आप क्या करोगे। तो चलो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। चाहे आपका वीडियो 5 मिनट का क्यों ना हो, आप उसे एक मिनट के अंदर का कर ही लोगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वीडियो लेयर को दोनों उंगलियों से जूम करना है और फिर उसमें शार्पली कट लगाना है, मतलब वीडियो की फ्रेम्स को कट करेंगे। तो वीडियो लेयर को जूम करने के बाद कर्सर को दोनों फ्रेम्स के बीच में लाना है और एक कट लगाना है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पार्ट स्प्लिट करके डिलीट कर देना है या फिर ट्रिम कर लेना है, और ऐसा आपको सारे फ्रेम्स के लिए करना है जब तक आपकी वीडियो एक मिनट के अंदर की नहीं हो जाती। अब आपको अपने वीडियो में म्यूजिक को ऐड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक म्यूजिक का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर से म्यूजिक में जाकर माय म्यूजिक पे जाना है और यहाँ से उस ऑडियो को ढूंढ लेना है या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेना है और फिर उसे इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको म्यूजिक के अच्छे अच्छे पार्ट्स को रखना है और फालतू पार्ट्स को कट कर देना है और वीडियो को म्यूजिक के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेना। और अब ये वीडियो लगभग तैयार हो चुका है। आपको तो पता ही होगा कि ये रेशियो लॉन्ग फॉर्म का है ना कि शॉर्ट फॉर्म का, तो हमें इस रेशियो को शॉर्ट फॉर्म के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कैनवास में जाना है और यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 1:1, 4:5 और 9:16, तो मैं 1:1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना और इसे पूरा फुल करके डबल टिक में क्लिक कर देना। इससे ये रेशियो सभी क्लिप्स में लग जाएगा और यहीं से आप सभी क्लिप्स के सीन को सेंटर में ला सकते हो और ये आपको हर उस क्लिप क्लिक करना पड़ेगा जो सेंटर में नहीं है। अब इस वीडियो में फिल्टर लगाना चाहते हो तो फिल्टर लगा लेना या थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लेना, नहीं तो फिर अपना लाइट मोशन तो है ही, उसे एचडीआर सीसी फिल्टर बना लेना और लगा लेना। अब ये साइड में वाटरमार्क दिख रहा है ना, इसको हटाने के लिए इस पर क्लिक करना और फ्री रिमूव में क्लिक कर देना। आपके पास नेट है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा लोडिंग लेगा और फिर रिमूव हो जाएगा, शायद ये बग हो सकता है, मैं नहीं जानता। इसे सेव करने के लिए अपर राइट में एक एक्सपोर्ट का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और 1080p एंड 30fps सिलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोर्ट करते हो। अगर से आप इंस्टाग्राम रील्स के लिए एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 1080p एंड 25fps पर एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम उतना ही सपोर्ट करता है, इसलिए बस उतना ही करना, उससे ज्यादा मत करना, नहीं तो तुम्हारी क्वालिटी घट जाएगी। और अगर से आप यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो 1080p एंड 30fps पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो रही बात, ये था बेसिक ट्यूटोरियल। अब अगर से आपको इसका एडवांस ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना ट्यूटोरियल, मैं जल्दी आपके लिए इसके ऊपर एक शॉर्ट सीरीज लेकर आऊंगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर से आप सोच रहे हो कि मैं भी एस्प्रो जिनिक्स जैसे यूट्यूब पर मूवी के छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगा, तो भाई ऐसा मत करना, ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब पर बस 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन व्यूज करने से ही चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। इसके अलावा भी यूट्यूब पर बहुत सारी पॉलिसीज होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। सो अब ये पॉलिसीज
क्या है, कैसे काम करती है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।